हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल के बारे में। तो एक बिजनेस मॉडल किस तरीके का होगा और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि उस बिजनेस मॉडल को एक तरीके से यूनिक बनाता है, राइट? तो की एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। बट उसके पहले कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद हमारे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करना है। ये देखो रेड कलर का आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है इसको नोटिफिकेशन भी आपको ऑन कर देना है ताकि आपको हर एक तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करना होगा। आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारे चैनल की तरफ से, जहां पे आपको हर एक तरह की क्वेरी, हर एक तरह का सजेशन का एक तरीके से समाधान निकाला जाएगा ताकि आप ठीक तरीके से स्टडी को कर पाए और एग्जामिनेशन ठीक तरीके से दे पाए। तो क्या करना है, ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम में जाना है और इस वाले ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको बेनिफिट जो है वो लेने हैं हमारे इस एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करने के लिए। तो आपको ये ज्वाइन करने के बाद मोर अबाउट पार्क्स में जाना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको सारी की सारी बेनिफिट जो है वहां से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? साथ ही साथ मैं प्लेलिस्ट के बारे में बताता चलूं तो इग्नू बीकॉम न्यू, चूंकि ये न्यू है तो न्यू बोल करके मैंने इसको स्टार्ट किया है, जहां पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इग्नू एमकॉम, इग्नू के फर्स्ट ईयर, बीकॉम के फर्स्ट ईयर, बीकॉम के सेकंड ईयर, सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इनको देखिए, समझिए, सुनिए अच्छे तरीके से, आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है, की एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल, ठीक है ना? सो टू इंश्योर दैट ऑल दीज बेसिक क्वेश्चंस आर एडिक्युएटली एड्रेस्ड, फॉलोइंग आर सम सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल बनाने के लिए जो चीजें मैं भी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई योर स्पेसिफिक ऑडियंस। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपके ऑडियंस का एज क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, उनका टेस्ट क्या है, उनका उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आपको अपना स्पेसिफिक ऑडियंस को आपको समझना होगा, उनके नीड्स को समझना होगा ताकि आप चीजों को एक तरीके से ठीक तरीके से कर पाओ। तो आइडेंटिफाई योर स्पेसिफिक ऑडियंस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप योर माइंड व्हेनेवर यू आर डेवलपिंग अ बिजनेस मॉडल, राइट? सो टारगेटिंग अ वाइड ऑडियंस वोंट अलाउ अ बिजनेस टू आइडेंटिफाई द राइट कस्टमर्स, है ना? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सबसे ज्यादा लोगों को टारगेट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें टारगेट करूंगा, वाइड ऑडियंस को टारगेट करूंगा, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपका एक्चुअल में कस्टमर है कौन, है ना? जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कॉमर्स की सारी चीजें कराऊं, मैं कॉमर्स की सारी हर एक चीज पढ़ाऊं, बीकॉम, एमकॉम, 11, 12, इससे लेकिन दिक्कत होगी, मैं सारी चीजें एक साथ सही टाइम पे नहीं करवा पा रहा हूँ, करवा पाऊंगा और सभी को यहाँ पे प्रॉब्लम आई होप फेस करनी भी पड़ रही होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि सर यहाँ पे आप तो बीकॉम करा रहे हैं, आप तो एमकॉम के वीडियोस डाले जा रहे हैं, बीकॉम के आप डाल ही नहीं रहे हैं, तो फिर हमारी स्टडी कैसी होगी, है ना? लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये अच्छा है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, बट मुझे पहले एक कोर्स कंप्लीट करा लेना चाहिए फिर मुझे दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने एमकॉम तकरीबन कंप्लीट करा लिया है, एमकॉम पे किसी को भी कोई भी वीडियो चाहिए वो अवेलेबल है, उसको देखेगा वो बंदा डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा। बीकॉम मैंने अभी रिसेंट में स्टार्ट करा है नया वाला सिलेबस के ऊपर, तो यहाँ पे मेहनत करना भी बहुत बाकी है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगले 5-10 दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के वीडियोस बनाऊंगा ताकि एग्जामिनेशन के पहले वो ठीक तरीके से खुद को तैयार होकर के एग्जाम में जा पाए, है ना? तो यहाँ पे आपको अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी अगर आप एक वाइड ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करोगे, हु ट्रूली नीड एंड वांट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना? जिनको ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए आपको, तो आपको आइडेंटिफाई करने में जो राइट कस्टमर्स हैं वो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इंस्टेड व्हेन क्रिएटिंग अ बिजनेस मॉडल नैरो डाउन द ऑडियंस, जब आप बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने मॉडल्स को एक तरीके से नैरो डाउन कर लो, उसको छोटा कर लो, छोटे तौर पर आप देखो, दो और तीन, या डिटेल स्टडी ऑफ बायर पर्सोनास, जो भी आपके बायर पर्सोनास हैं, जो भी लोग हैं जो खरीद रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, उनका क्या डिमांड है, उनका क्या पर्सोना है, वो किस लिए आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उसको आपको समझने की कोशिश करना है ना? अपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है आपको, कस्टमर का जो आपका ऑडियंस है उसको आप छोटा करो, फिर जाकर के उसको टारगेट करो। आउटलाइन ईच पर्सोनास डेमोग्राफिक्स, हर एक ईच पर्सोना का आपका जो डेमोग्राफिक है, जो कॉमन चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जो सॉल्यूशंस है कंपनी के पास उस चैलेंज को ठीक करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी
कि ये मेरा ऑडियंस है, इनकी ये सारी प्रॉब्लम्स है और इन सारी प्रॉब्लम्स को मेरी कंपनी के थ्रू के प्रोडक्ट के थ्रू जो है आपको उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर डेवलपिंग अ बिजनेस मॉडल। ठीक है, दूसरा है एस्टैब्लिश बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस करने का ना भाई एक प्रोसेस होता है, राइट, कि पहले मैंने ये किया, फिर वो किया, फिर ऐसे किया, फिर वैसे किया, तो एक प्रोसेस होता है। तो आपको अपना बिजनेस प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना होगा कि ठीक है, सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना है, उसको एक जगह पे लेकर के जाना, उस जगह में उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको बनाया जाएगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, और फिर मैं उसको मार्केट में लेकर के जाऊंगा, फिर उसकी मार्केटिंग करूंगा, वगैरह वगैरह, बहुत बहुत सारी चीजें। तो बिजनेस का एक प्रोसेस होता है, राइट। सो बिफोर द बिजनेस कैन गो लाइव, बिजनेस को लाइव जाने के लिए के पहले, लाइव मतलब आपका अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मेक द बिजनेस मॉडल वर्क। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपका बिजनेस मॉडल ठीक तरीके से चल पाए, आपका बिजनेस मॉडल सस्टेन कर पाए और प्रॉफिट आपको दे पाए। तो जो भी एक्टिविटीज आपको आपकी हैं बिजनेस मॉडल के तहत, उसको तैयार करने के पहले, उसको एक तरीके से लॉन्च करने के पहले, आपको वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और आपको करनी होती है, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द की बिजनेस एक्टिविटीज टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर बिजनेस प्रोसेस, है ना। जो की बिजनेस एक्टिविटीज है वो आपको ढूंढ लेनी होगी कि ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में आपको ये करना होगा ताकि आपका बिजनेस जो है एक सक्सेस बन पाए। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑफरिंग। तो सबसे पहला काम होगा वो आपका ये होगा कि आपका बिजनेस लोगों को क्या ऑफर कर रहा है, उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना, है ना। आप सपोज कि आप कोई एक पर्टिकुलर चीज, सपोज मैं बीकॉम ऑफर कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं बीकॉम की स्टडी ऑफर कर रहा हूँ, बट मेरे पास मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, मैंने वीडियोस अभी तक नहीं बनाए हैं, तो क्या वो एक तरीके से मेरे ऊपर रिलाय कर पाएंगे ठीक तरीके से? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो तो बोलेंगे सर आपने अभी तक एक ही वीडियो डाला है, बाकी सारे वीडियोस कहाँ हैं, हम कैसे स्टडी करेंगे, हम एक वीडियो पढ़ के तो एग्जाम में पास नहीं कर सकते ना, है ना। तो मैं अभी हर एक यूनिट में से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं, मैं उन सब के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ आने वाले 5 दिन में। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैं कंप्लीट करके रख दूंगा, जहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप पढ़ना उनको, देखना। एग्जामिनेशन में कोई भी आपका 50-60% या मोर देन 70% मार्क्स आपका कोई भी रोक नहीं सकता, अगर आप ठीक तरीके से करोगे तो। क्योंकि सपोज कोई क्वेश्चन मैंने बताया वो नहीं भी आया, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया, तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने उस वीडियो में आपको बताई उसका इस्तेमाल आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर सकते हो, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो रिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है। आप एक टॉपिक का इस्तेमाल दूसरी जगह पे उसका आंसर लिखने में कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो एस्टैब्लिशिंग बिजनेस प्रोसेस इज द सेकंड मोस्ट की एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस मॉडल, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्ड की बिजनेस रिसोर्सेज। जो भी आपके बिजनेस रिसोर्सेज है उनकी रिकॉर्डिंग ठीक तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। What does a company need to carry out during daily process? Find new customers and reach business goals. है ना? Document essential business resources to ensure the business model is adequately prepared to sustain the needs of the business. है ना? तो सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि कंपनी आपके पास क्या काम कर रही है, वो डेली का वो क्या काम कर रही है, वो कस्टमर को क्या ऑफर कर रही है, एक कस्टमर आपके बिजनेस से क्या चाहता है, ये चीजें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा जो काम है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करके रखना पड़ेगा, आपके जो भी एसेंशियल रिसोर्सेज हैं जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए कि आपके पास इतना माल रॉ मटेरियल में है, आपको इतने माल की जरूरत है, इतने माल का आपका आज का प्रोडक्शन हो गया, इतने माल का जो है कल तक सेल हो जाएगा। इस सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी होगी आपके प्रोडक्ट के रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज, क्योंकि अगर कोई भी एक रिसोर्सेज अगर आपका कम गया तो आपका प्रोडक्शन जो है एक तरीके से रुक जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। तो वो चीज ना हो, वो आपको ऑकर ना करना पड़े, इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना, रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने बिजनेस रिसोर्सेज को, राइट। कॉमन एग्जांपल दैट अ बिजनेस में नीड इंक्लूड्स अ वेबसाइट, कैपिटल फॉर द बिजनेस टू स्टार्ट रनिंग, वेयर हाउस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द कस्टमर लिस्ट। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड इन टूडेज वर्ल्ड टू परसू अ बिजनेस, है ना। सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, अभी के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, मैं ऑनलाइन आपको ई कॉमर्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये सबसे पहला चीज जो है आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कैपिटल होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाओ, रन कर पाओ। वेयर हाउस फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट को रखने के लिए आपको वेयर हाउस चाहिए, साथ ही साथ आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी आपकी अगर है तो आपको उसको रजिस्टर करना कराना होगा IPR के तहत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत। और दूसरा जो आखिरी पॉइंट है वो है कस्टमर लिस्ट। जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, वो कस्टमर आपके पास बार बार आए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वही आपको आप बार बार अप्रोच करे, आप भी उन तक अप्रोच कर सकते हो। एक महीने बाद आपने दोबारा से उनको अप्रोच किया कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारे पास से खरीदें,
राइट तो इन सारी के सारी चीजों की रिकॉर्डिंग रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के समय में बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए, है ना। चौथा पॉइंट है डेवलप अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेबली अ यूनिक वैल्यू पोजीशन, है ना। आपको एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा वैल्यू पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें। आपके प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करनी होगी, प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा जिसको लेकर के कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये तो एक वैल्यू प्रपोजिशन आपको क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर स्टैंडिंग अमंग अदर कॉम्पिटिटर्स अ कंपनी नीड्स टू प्रोवाइड सम एडिशनल वैल्यू प्रपोजिशन टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ इनोवेटिव सर्विस और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, है ना। तो अभी के टाइम पे जिस तरह का कंपटीशन हमारे मार्केट में है, अगर आपको अपनी कंपनी को सस्टेन करवाना है, कंपनी को अगर चलाना है, तो उस केस में आपको यू नो जो इनोवेटिव कुछ एडिशनल जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, कुछ एडिशनल चीजें, कुछ यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन आपको अपने कस्टमर्स को देना पड़ेगा ताकि कस्टमर आपके साथ जुड़े रहें और कस्टमर किसी और कॉम्पिटिटर कंपनी के पास ना जाए। तो इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने की जरूरत है, एडिशनल वैल्यू प्रपोजिशन प्रोवाइड करने की जरूरत है कस्टमर्स को, राइट। वैल्यू प्रोपोजिशन इज अबाउट गिविंग द वैल्यू टू द बिजनेस, है ना। जैसा मैं कह रहा हूँ आपको वैल्यू देने की जरूरत पड़ेगी अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर्स को, एंड हाउ इट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर बिजनेसेस इन द मार्केट, है ना। आपको वैल्यू देना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि आपका बिजनेस क्यों स्टैंड कर पा रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। चलाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। वंस द बिजनेस हैज गॉट अ फ्यू वैल्यू प्रोपोजिशन, जैसे ही आपके बिजनेस को कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन मिल जाए, then it is important to link each of them to a service or product delivery system to determine how business would remain valuable to the customers over time. अब ये जो valuable proposition, जो valuable ideas आपको मिल गए, आप इसका इस्तेमाल अपने product की delivery में करना start कर दोगे ताकि जो benefit है वो customer तक ठीक तरीके से पहुंच पाए और customer आपको differentiate कर पाए। देखो product का differentiation होना बहुत important है। एक ही product जो है बहुत सारी companies बेच रही हैं, लोग आप ही की company क्यों खरीदेंगे, आपके मन में ये सवाल आएगा। तो वो तभी खरीदेंगे जब आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के मुकाबले डिफरेंट होगा। तो खुद को डिफरेंट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज, कुछ एक्स्ट्रा यू नो प्रोडक्ट डिलीवरी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपका बिजनेस जो है वो एक तरीके से वैल्यूएबल बना रहे कस्टमर्स के सामने और आपका कस्टमर जो है आपको दोबारा आपके पास आए, रिटर्निंग कस्टमर वो बने, है ना। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और तभी जाकर के आपका बिजनेस मॉडल जो है एक सक्सेस हो पाता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है डिटरमाइन की बिजनेस पार्टनर, जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे उनका डिटरमिनेशन करना, उनको डिटरमाइन करना कि ये हमारा की बिजनेस पार्टनर है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो बिजनेस कैन फंक्शन प्रॉपरली लेट अलोन रीच एस्टैब्लिश्ड गोल्स विदाउट की पार्टनर्स दैट डोनेट टू द पर्सन बिजनेस एबिलिटी टू सर्व कस्टमर। तो कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चल सकता, उसमें आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी बिजनेस बड़ा होता है आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते, आपको अपने पार्टनर्स की जरूरत है, है ना। तो कोई भी बिजनेस no business can function properly without key partners, अच्छे partners, you know, जो important partners से बगैर उसके कोई भी business जो है एक तरीके से ठीक तरीके से नहीं चल सकता, अगर आपको अपने business को चलाना है, अगर आपको अपने customers को ठीक तरीके से serve करना है। While building a business model, it is significant to choose the key partners like the example, suppliers, strategic alliances or advertising partners. तो जब भी आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके आपके जो की पार्टनर्स हैं, सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई आपको चाहिए, आपका सेल का बंदा बेहतर होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट का जो ऐड करेगा वो आपका पार्टनर हो गया, आपका जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है लोगों के साथ वो आपका पार्टनर हो गया। तो इन सब को डिटरमाइन करना कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बेहतर है, मैं इसके साथ बिजनेस करूंगा, ये कर लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। सो कीपिंग दीज 5 एलिमेंट्स इन माइंड will lead to the creation of a solid business model capable of fueling the success of a new business entity, है ना। तो ये 5 चीजें अगर आपके दिमाग में है, अगर आप इसको चीज को दिमाग में रख करके अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपका बिजनेस जो है वो एक तरीके से चल पाएगा और बिजनेस एंटिटी जो है वो बहुत ही बड़ी बन पाएगी, एक सक्सेस बन पाएगी। वंस वी आर क्लियर अबाउट द बिजनेस मॉडल इज नाउ हाउ इट इज क्रिएटेड, वी शैल मूव ऑन टू अप्लाई दिस बेसिक नॉलेज एंड इन अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। अब जब आपके पास इसके बारे में आइडिया हो गया है तो ई कॉमर्स बिजनेस में ये किस तरीके से काम करेगा या करता है ये आपको समझने की अब आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पैराग्राफ, यहाँ तक अगर आप कर लेते हो, याद कर लेते हो, लिख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको ठीक तरीके से की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल समझाया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब से मैं
हर एक यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगले सेशन से मैं सारी की सारी वीडियोस बना दूंगा अगले सेशन से पहले, जहां पे आपको देख करके आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, लेकिन इसको पहले एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।